गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द SST क्लास. सो टुडे वी विल डिस्कस अवर लेसन नंबर 21, अर्ली फेस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट. सो एट फर्स्ट यू विल मेंशन डेट एंड डे हियर. एट फर्स्ट ऑन द टॉप ऑफ द पेज यू विल मेंशन डेट एंड डे. लेसन नंबर 21, लेसन नेम इज अर्ली फेस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट. The revolt of 1857 was the first attempt of the Indian towards independence against the British rule. Revolt 1857, जो 1857 का revolt था वो Indians की first attempt थी towards independence. Independence पाने के लिए उन्होंने first attempt की थी against the British rule. अंग्रेजों के खिलाफ, जो अंग्रेजों ने ब्रिटिश लोगों ने रूल बनाया था उसके खिलाफ. द रिवॉल्ट इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस, उस रिवॉल्ट से बहुत सारे इंडियंस क्या हुए, इंस्पायर हुए. पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डेलिब्रेटली वर्क टुवार्ड्स मेकिंग इंडिया पुअर एंड बैकवर्ड. पीपल्स को अभी ये बात रियलाइज हो गई थी, बहुत ज़्यादा फील हो गई थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से इंडिया को पुअर और बैकवर्ड बनाने का काम कर रही है. दे फेल्ट द नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड हेल्प इन एजुकेटिंग इंडियंस अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. अभी हमारे इंडियंस के अंदर एक ऐसी नीड अराइज हुई, ऐसी ज़रूरत लगी उनको कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि उनको एजुकेटिंग इंडियंस, इंडियंस को एजुकेट करे अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश की पॉलिसीज के अगेंस्ट. Then, in this chapter, we will study about the beginning of the nationalist movement and the formation of the Indian National Congress. इस लेसन में हम नेशनलिस्ट मूवमेंट की बिगनिंग के बारे में और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है जी, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई उसके बारे में पढ़ेंगे. राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. In the second half of the 19th century, a wave of reform movements took place in India. Many educated Indians fought against social evils that existed in the Indian society, such as sati, caste system, child marriage, and female infanticide. कहते, in the second half of the 19th century, एक reform movement स्टार्ट हुई, रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसमें मैनी एजुकेटेड इंडियंस, बहुत सारे एजुकेटेड इंडियंस थे जिन्होंने पाया कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में तो बहुत सारे ईवल्स हैं, बुराइयां हैं. वो कौन कौन सी बुराइयां, सच एज सती. व्हाट डू यू मीन बाय सती, सती का मतलब जानते हो बेटा क्या होता था पुराने समय में, क्या होता था, अगर किसी लेडीज के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, जब उसको जलाया जाता था तो उस लेडीज़ को भी उसके हस्बैंड के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था. दैट इज़ कॉल्ड सती सिस्टम. नेक्स्ट इज कास्ट सिस्टम. कुछ लोग इन प्रीवियस टाइम, कुछ लोग अपने आप को हायर कास्ट के मानते थे और कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट के मानते थे. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वी ऑल आर इक्वल, हम सभी एक जैसे होते हैं. बट उस समय में ये कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चल गया था कि कुछ लोग अपने आप को हायर कास्ट के पीपल मानते थे और कुछ लोगों को वो लोअर कास्ट के पीपल मानते थे और उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ अन्याय करते थे. डन. और दैट इज थर्ड वन इज चाइल्ड मैरिज. देन चाइल्ड मैरिज क्या है बेटा, कि छोटी उम्र में ही बच्चों की मैरिज कर दी जाती थी. एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, अगर किसी लड़की का बर्थ होता था तो उसको बर्थ के टाइम ही मार दिया जाता था. दैट इज़ कॉल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड. सम ऑफ दीज रिफॉर्म्स व राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद, ये सभी रिफॉर्मर्स के नेम थे बेटा.
रिफॉर्मर्स थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद, ये सभी रिफॉर्मर्स थे। राजा राम मोहन राय, देन राजा राम मोहन राय फाउट अगेंस्ट द इवल ऑफ सती, वो सती के अगेंस्ट, उन्होंने सती जो बुराई थी, हमारे इवल था, उसके अगेंस्ट वो लड़े। ही एस्टेब्लिश द ब्रह्मो समाज दैट वर्क टू पुट एन एंड टू क्रियोल रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस। ही इज कंसिडर द फादर ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो राजा राम मोहन राय वो सती के अगेंस्ट उन्होंने लड़े, उसके बाद उन्होंने एक ब्रह्मो समाज एस्टेब्लिश किया जिसमें कि जो भी ऐसे रीति रिवाज थे सभी को ख़त्म किया गया और उनको मॉडर्न इंडिया का फादर भी माना जाता है, कंसीडर द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। देन दयानंद सरस्वती फाउंड द आर्य समाज इन 1875 टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। देखो छोटे छोटे बच्चों को तो खुद को कुछ नहीं पता होता था कि उनकी जो इतनी कम एज में मैरिज हो रही है वो उनके लिए अच्छी बात है या नहीं है, उनको अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं पता था छोटे बच्चों को। तो उनके बिहेव पे, उनके बिहाफ पे कुछ लोग उनके जो बिहाफ पे लड़े, दैट इज दयानंद सरस्वती चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़े। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर्क हार्ड टू गेट द विडो रीमैरिज। अगर छोटी उम्र में ही किसी लड़की की मैरिज कर दी जाती थी, उसके बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उसको अलाउ नहीं था कि उसकी रीमैरिज कर दी जाए, ठीक है। तो उन्होंने विडो की रीमैरिज का उन्होंने किया कि विडो अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो रीमैरिज कर सकती है। ही एस्टैब्लिश्ड मैनी स्कूल्स फॉर गर्ल्स। स्वामी विवेकानंद ऑल्सो वर्क हार्ड एंड एजुकेटेड पीपल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया एंड लोगों को एजुकेट किया कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। सो फॉर टुडे इट्स इनफ, थैंक्स एंड Have a nice day.